तो भाई लोग, क्या हाल चाल है यार आपके? तो यार आज की वीडियो में मैं मतलब तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई तुम लोग नूब से प्रो प्लेयर कैसे बन सकते हो। मतलब भाई कोई हलवा तो है नहीं, बट भाई इसमें मतलब इस वीडियो में मैं कुछ तुम लोगों को बेसिक टिप्स बताऊंगा, मतलब जो हर एक प्रो प्लेयर यूज़ करता है, इसीलिए वो मतलब प्रो कहलाता है। अगर उनको भाई तुम भी फॉलो करोगे तो तुम भी मतलब प्रो प्लेयर बन जाओगे, खेलते खेलते कुछ दिनों में ज़रूर बन जाओगे। तो यार टिप नंबर वन में यार तुम लोगों को हमेशा हेडफोन लगा के खेलना है, मतलब हेडफोन ईयरफोन जो भी हो भाई वो लगा के खेलना है। क्योंकि भाई तुम लोग अगर किसी प्रो प्लेयर की लाइव स्ट्रीमिंग देखते होगे, मतलब किसी भी बंदे की जो लाइव स्ट्रीम करता होगा, तो भाई तुम लोग हमेशा से देखते होगे कि मतलब वो बंदा हेडफोन पहन के लाइव स्ट्रीमिंग करता है। क्योंकि भाई बिना हेडफोन के तो तुम प्रो बन ही नहीं सकते। क्योंकि भाई जो पबजी का मिनी मैप होता है उसमें भाई बंदा जब तुम्हारे एकदम क्लोज में आ जाएंगे, यानी कि 10 से 15 मीटर में आ जाएगा, तब भाई उसमें फुटस्टेप प्रिंट होती हैं। लेकिन भाई अगर तुम हेडफोन लगा के खेलते हो तो भाई मतलब हेडफोन में 50 मीटर या 60 मीटर के मतलब अंदर अगर बंदा तुम्हारे पास आया तो तुमको मतलब उसकी आवाज़ सुनाई मतलब दे जाएगी। और भाई तुम पहले से ही मतलब अरे पहले से ही मतलब तुम तैयार हो जाओगे कि बंदा आ रहा है, और आराम से फाइट लोगे और मार भी दोगे। और तो और भाई इसमें मतलब हेडफोन लगाने से मतलब राइट लेफ्ट की आवाज़ भी आती है कि बंदा मतलब किस साइड से डायरेक्शन से आ रहा है, राइट या लेफ्ट। अब भाई बिना हेडफोन के खेलोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और भाई बंदे आएंगे पीट पाट के चले जाएंगे। तो भाई ठीक है ना, अब से खेलना तो भाई हेडफोन लगा के खेलना, हेडफोन नहीं तो भाई ईयरफोन ही लगा लो, ठीक है ना भाई। तो बढ़ते हैं टिप नंबर टू पे। तो यार टिप नंबर टू में आते हैं तुम्हारे कंट्रोल्स भाई। हाँ, तुम्हारे ही खुद के कंट्रोल्स। तो भाई कंट्रोल्स मैटर करते हैं कि भाई मतलब यार देखो भाई, रिफ्लेक्स जो होते हैं ना बंदे के, रिफ्लेक्स वो तगड़े होने चाहिए। मान लो भाई अब चार बंदे आ गए या दो ही बंदे आ गए या तुमको मारने लगे, तो भाई अगर तुम्हारे रिफ्लेक्स जो होते हैं वो अगर तेज़ नहीं रहेंगे तो तुम बंदों को नहीं मार पाओगे। भाई तुम देखते होगे वीडियो प्रो प्लेयर जो होते हैं उनके रिफ्लेक्स कितने तगड़े होते हैं, और भाई कंट्रोल भी मैटर करता है। तो यार रिफ्लेक्स के साथ साथ तुम्हारे कंट्रोल भी मैटर करते हैं कि भाई तुम टू फिंगर खेलते हो या थ्री फिंगर खेलते हो या फिर फोर फिंगर खेलते हो। तो भाई देखो इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट भाई अभी जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। देखो भाई अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है और तुम उसे मारने के लिए अपने बटन्स पे ध्यान दोगे, तब तो भाई तुम पक्का पीटोगे और तुम्हारी पेटी ही बनेगी। तो भाई सबसे पहले तुमको अपने कंट्रोल्स पे मास्टर करना होगा कि भाई कोई बंदा अगर सामने से आए तो तुमको कंट्रोल देखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ जो है तुम्हारे कंट्रोल पे जाए, जैसे कि फायर जंप जो भी हो, ठीक है ना भाई। तो भाई देखो इसमें तो ट्रेनिंग ग्राउंड है नहीं, तो भाई तुमको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको वार मोड और टीडीएम मोड ये दोनों खेलने पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। वार मोड और टीडीएम मोड ये ज़्यादातर खेलोगे भाई तुम्हारा हाथ जो होगा तुम्हारे कंट्रोल पर सेट होगा, और जब तुम्हारा हाथ तुम्हारे कंट्रोल पर सेट हो जाएगा तो भाई जाओ टीडीएम खेलो और दबा के बंदे पीटो, और भाई हाथ बैठाओ कंट्रोल पर। और भाई हाथ बिठाने से पहले तुमको एक खुद का कंट्रोल सेट कर लेना है भाई। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि टू फिंगर और थ्री फिंगर या फोर फिंगर के लिए कौन से कंट्रोल सही रहते हैं, बट भाई जो अभी बता रहा हूँ वो करो। तो बढ़ते हैं अगले वाले टिप्स पे। तो भाई टिप नंबर थर्ड में तुम्हारी जो होती है सेंसिटिविटी, वो मैटर करती है। क्योंकि भाई बिना सेंसिटिविटी के मतलब तुम बंदे मार ही नहीं पाओगे, स्कोप तुम्हारे लिए मतलब समझ लो भाई बेकार है। इसलिए भाई सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और भाई तुम्हारी सेंसिटिविटी सेटिंग जो होती है वो मतलब इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई अगर तुम 3x या 6x लगा के मार रहे हो, मतलब किसी बंदे को स्प्रे मारो, तो भाई 10 में से कम 6 या 7 एमओ तो उसे लगनी ही चाहिए, ठीक है ना भाई। तो सेंसिटिविटी भी मैटर करती है। तो भाई सेंसिटिविटी के ऊपर भी कमेंट बॉक्स में भाई तुम लोग मतलब बता देना, मैं सेंसिटिविटी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना भाई। तो बढ़ते हैं अगले वाले टिप्स पे। तो यार टिप नंबर चार में तुम लोगों को भाई हमेशा हॉट ड्रॉप लेके खेलना है, जैसे कि स्टेडियम 13 या ओल्ड बेसिन फैक्ट्री जो भी हो गए। भाई देखो हॉट ड्रॉप लेने से क्या होगा भाई, तुम मतलब बंदों से फाइट लोगे, ठीक है ना भाई। जब फाइट लोगे बंदों से तो भाई तुम्हारी जो स्किल होती है, स्किल रिफ्लेक्स ये सारे के सारे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई देखो अगर प्रो के साथ खेलोगे तो भाई प्रो ही बनोगे, और अगर नूब के साथ खेलोगे तो भाई नूब ही बनोगे, ठीक है ना भाई। तो हमेशा हॉट ड्रॉप लेके खेलना है तुमको, क्योंकि भाई देखो जो मतलब प्रो बंदे जो होते हैं वो हमेशा किल्स के पीछे भागते हैं, ठीक है ना भाई। अगर तुम किल्स के पीछे भागोगे तब जो क्या मतलब, देखो भाई अगर तुम किल्स के पीछे भाग रहे हो तो भाई तुम्हें जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी मतलब गेम में सर्वाइव करना होगा, तभी ना भाई ज़्यादा किल्स कर पाओगे, ठीक है ना। और भाई कोशिश ये करो कि अकेले खेलो, मतलब सोलो खेलो, क्योंकि भाई सोलो खेलना बहुत हार्ड है। तो भाई अगर सोलो खेलोगे तो भाई तब तो और भी बढ़िया है तुम्हारे लिए। तो भाई अगर सोलो खेलोगे तब तो बहुत बढ़िया है। और भाई देखो जो हॉट ड्रॉप होता है भाई, हॉट ड्रॉप उतरने के लिए मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम हॉट ड्रॉप पर उतरे या 3-4 बंदे मार दिए तो समझ लो भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगले मैच में तुम क्या करोगे भाई, और उससे ज़्यादा बंदे मारोगे, ठीक है ना भाई। और मतलब कुछ
कुछ टाइम बाद भाई सिचुएशन तो ऐसी आ जाएगी जब तुम 1v4 क्लच करने लगोगे, बिल्कुल मतलब प्रो प्लेयर के जैसे, ठीक है ना भाई। तो भाई हॉट ड्रॉप लेके हमेशा खेलना है और सेफ भाई मत उतरना जब तक भाई तुम प्रो प्लेयर नहीं बन जाते। देखो भाई अब बंदे कहेंगे कि मतलब मैं तो रैंक पुश अगर करूँगा तो माइनस लग जाएगा। देखो भाई अगर तुम प्रो प्लेयर बन जाओगे और अच्छे से तुम्हारा गेम जब मतलब डेवलप हो जाएगा, तुम भाई अच्छा खेलने लगोगे, तो भाई तुमको रैंक पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना भाई। तुम एस कॉन्करर आराम से जाओगे, ठीक है ना भाई। तो पहले हॉट ड्रॉप पे खेलो और भाई मतलब हॉट ड्रॉप लेके खेलना सीखो। तो बढ़ते हैं भाई अगले टिप्स पे। तो यार देखो टीम नंबर 5 में ज़्यादा से ज़्यादा तुम भाई सोलो खेलना है, तो है ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा सोलो खेलना है, क्योंकि भाई जब तुम सोलो खेलने लगोगे ना तो भाई तुम्हारा मतलब क्या ही बताऊँ माइंड इतना तेज़ी से काम करेगा ना कि भाई मतलब क्या ही बताएं। और अकेले खेलने से भाई ना मतलब तुम्हारा माइंड स्क्वाड खेलने से मतलब जो स्क्वाड खेलते हो ना उससे तगड़ा तुम्हारा अकेले खेलने में काम करता है। तो भाई जब तुम सोलो खेलने लगोगे ना तो तुम मतलब खुद भाई तुम्हें मतलब फील करोगे कि भाई मतलब मेरा गेम पहले से कितना अच्छा हो गया है। और तो और भाई देखो सोलो खेलने के लिए मैं इसीलिए तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई सोलो में ना बंदे जो होते हैं बहुत बड़े कैंपर होते हैं, या फिर भाई ऐसी ऐसी जगह वो लोग कैंप करके बैठे रहते हैं ना कि भाई तुम भाई सोच भी नहीं सकते। और भाई बंदे तुमको आएंगे पीट पाट के चले जाएंगे, इसलिए भाई तुमको मैं सोलो खेलने को बोल रहा हूँ भाई। ये नहीं कि मतलब 1v4 खेलो, जैसे कि मतलब सोलो भी स्क्वाड खेलने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, सोलो खेलना है ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाई प्रो बनना है तो, ठीक है ना भाई। तो बढ़ते हैं अगले टिप्स से, मतलब टिप्स नंबर 6 पे। तो भाई टिप नंबर 6 में क्या करना है तुमको भाई, अपने साथ हमेशा 5-6 ग्रेनेड और मतलब 5-6 स्मोक भी लेके चलने, क्योंकि भाई प्रो प्लेयर जो होता है ना वो हमेशा अपने साथ भाई मतलब 4-5 स्मोक और ग्रेनेड भी लेके चलता है। क्योंकि भाई देखो अभी से बेनिफिट क्या होगा, मान लो तुम भाई अपने टीम के अकेले बचो या फिर 1v4 खेल रहे हो, तो भाई सामने अगर 4 बंदे हैं और भाई मतलब तुम डायरेक्ट रश करते हो तो भाई मानता हूँ 1-2 बंदे को तुम मार दोगे इजीली भाई, उतना तो है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना भाई। बट भाई अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड होंगे और तुम ग्रेनेड वहाँ पे कर दोगे तो भाई देखो अगर ग्रेनेड किए 2 बंदे अगर नॉक होगा, 1-2 बंदे अगर भाई नॉक हो गए तो भाई तुम्हारे लिए क्या होगा इजीली हो जाएगा, मतलब 2 बंदे तो तुम मार ही दोगे आराम से, या 2 बंदे ग्रेनेड से नॉक कर दिए तो भाई तुम आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है ना भाई। इसीलिए भाई ग्रेनेड और स्मोक बहुत ज़रूरी है। और भाई देखो स्मोक से मतलब ये है कि भाई सपोज कर लो कि मतलब लास्ट का जोन पूरे ओपन में बन गया है और भाई कवर के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वहाँ पे भाई 3-4 स्मोक रहेंगे, 3-4 बहुत हैं यार, 3-4 स्मोक अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो भाई तुम पूरा ग्राउंड में स्मोक फैला दोगे, जिससे बंदा तुम्हें स्पोर्ट नहीं कर पाएगा या फिर बंदे तुम्हें स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे और भाई ईजिली तुम उन बंदों को मतलब कन्फ्यूज करके मार दोगे, ठीक है ना भाई। इसीलिए स्मोक भी ज़रूरी। तो भाई बोनस टिप्स में मतलब अगर तुम स्क्वाड खेल रहे हो, ठीक है ना भाई, अगर तुम स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई हमेशा तुमको क्या करना है अपने मतलब बंदों से कनेक्टिविटी मतलब जो होते हैं कनेक्शन बना के रखने हैं, ठीक है ना भाई। 4 बंदे जो होते हैं ना भाई, 4 के 4 तो तुम्हारे कनेक्शन एकदम बने रहने चाहिए अगर स्क्वाड खेल रहे हो तो, क्योंकि भाई स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई स्क्वाड के साथ ही ना रहोगे, ठीक है ना। तो भाई अगर स्क्वाड खेल रहे हो तो स्क्वाड के साथ रहो, जिससे भाई क्या होगा कि अगर तुम कहीं पे फाइट ले रहे हो अगर बाई चांस नॉक हो गए तो भाई तुम्हारे टीममेट बचा लेंगे, ठीक है ना भाई। नहीं तो अगर तुम्हारे 3 बंदे अगर नॉक हैं, मतलब तुम्हारे टीम के अगर 3 बंदे भाई नॉक हैं और भाई मतलब तुम्हारी टीम के अगर 3 बंदे नॉक हैं और तो अगर तुमने वहाँ पे क्लच कर दिया जैसे तैसे करके, तो भाई तुम तो अपनी टीम के हीरो बन जाओगे, ठीक है ना भाई। इसीलिए तुमको अपनी टीम के साथ रहना है अगर तुम स्क्वाड खेल रहे हो तो, ठीक है ना भाई। तो बढ़ते हैं बोनस टिप नंबर 2 पे। तो भाई इसमें तो कोई भाई टिप्स नहीं है, बस भाई सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल यार सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा, सब्सक्राइबर मेरे भी मतलब गेन हो, मैं भी चाहता हूँ भाई कि मतलब मेरे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों, लेकिन भाई मेहनत तो करता हूँ बट क्या बताऊँ भाई कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।